टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सम कर रहे हैं जिसमें ट्रू लेंथ 70 mm है, एंगल 60 डिग्री विथ एच पी मतलब थीटा दिया हुआ है, लाइज इन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वी पी। तो ये जो दिया है वो बीटा दिया हुआ है। इट्स एंड पॉइंट ए इज 10 mm अबव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। पहले हम लोग डेटा लिखते हैं। देखो उन्होंने दिया है ट्रू लेंथ 70 mm, थीटा 60 डिग्री, बीटा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन वो 45 डिग्री। हमेशा याद रखो वो वैसे ही लिखेंगे। ए डैश 10 mm अबव एच पी, ए 20 mm बिलो एक्स वाई लाइन। पहले एक्स वाई और बाद में ए डैश और ए मार्क करते हुए उसके बाद थीटा एंड बीटा मार्क करेंगे। थीटा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसके ऊपर क्या कट होगा? थीटा के ऊपर ट्रू लेंथ वो मालूम है, वो ए डैश बी वन डैश। तो उसे क्या मिल जाएगा? लोकस ऑफ बी डैश। उसके बाद ए से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगा 45 डिग्री। इसको प्रोटेट करेंगे, मतलब पहले प्रोजेक्ट करेंगे बी वन डैश को, बी वन तक लाएंगे ए बी वन और उसको रोटेट करेंगे। तो आप लोग को टॉप भी मिल जाएगा ए बी। ये होगा लोकस ऑफ बी। बी को सीधा ऊपर लेके जाओ, आपको क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश। और ट्रू लेंथ लेके कट कर सकते हैं डायरेक्ट नीचे या फिर रोटेट कर सकते हैं। ये 70 mm, ये हो गया बी। आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।